हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। आईसर एडमिशन 2023 का डेट रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईसर एडमिशन 2023 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो आईजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब सिंपली में मैं बता दे रहा हूँ कि ये 7 आईजर पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है जो गवर्नमेंट है। यहाँ पे BS MS कोर्स 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आईसर बहरमपुर, आईसर भोपाल, आईसर कोलकाता, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, आईसर तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, ये 7 आईजर है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आ सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर्स BSMS प्रोग्राम करवाया जाता है 7 आईजर में, और सिर्फ 4 ईयर्स का BS इन इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस एट आईजर भोपाल। सिर्फ एक आईजर भोपाल ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 4 ईयर्स का BS कोर्स करवाया जाता है, नहीं तो सब में BS MS कोर्स 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन ऑन अप्रैल 15 अप्रैल 2023 को इसका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब IAT, इसका शेड्यूल ऑन 17 जून 2023 रहने वाला है। फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल एलिजिबिलिटी, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रीड कर लीजिए, जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट है वो सब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा में यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी पासेज क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम साइंस स्ट्रीम 2022 या 2023, कोई भी बोर्ड से हो चले। मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि क्लास 12 या इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे मैं डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, अगर डिप्लोमा प्रोग्राम का अगर है तो वो भी चलेगा। पर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 2022 और 2023, जो लोग 2022 और 2023 में इंटर का एग्जाम दिए हैं, जो 23 में दिए होंगे वो तो अपेयरिंग ही है, मतलब फर्स्ट ड्रॉपर ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT के लिए। मतलब जो 2022 का है वही 2023 में एग्जाम दे सकता है, जो 2023 में एग्जाम दिए वो तो दे ही सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट एमंग बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12 और इवेलुएट एग्जाम। मतलब इसका मतलब है कि मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री PCM या PCB अगर आपके इंटर या इक्विवेलेंट डिग्री में कोई भी है तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो एक बार और फ्रेंड समझ ली कि PCB और PCM दोनों एलिजिबल है, या PCMB वाले भी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मार्क्स SC ST और PW के लिए 55% रखा गया है, और यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 60% रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन चैनल किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY चैनल से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस ऑफ द इंडियन मतलब JEE एडवांस के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT चैनल, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग हम जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक और JEE चैनल से वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसका 15,000 से कम रैंक हो, तो ये भी जान लीजिए। उसके बाद आप रीड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से यहाँ पे सीट देख सकते हैं कि किसके किसके लिए कितना कितना रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%
अदर बैकवर्ड बिलोंगिंग ओबीसी के लिए 27%, एनपीडब्ल्यू के लिए 5%, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 सीट्स पर आइसर पे 3 सीट्स इस पे है। यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पे सीट रिजर्व है, देख सकते हैं। यहाँ पे सब चीज यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली एडमिशन वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंस डेट है, इम्पोर्टेंस डेट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं कि ये टीका कब से क्या होने वाला है। इसका करेक्शन डेट 28 मई रहेगा और 15 अप्रैल से इसका चालू होगा। 25 मई 2023 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज हॉल टिकट 10 जून को, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 17 जून, अपलोड स्टूडेंट रिस्पांस 17 जून को। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा। बाद बाकी तो आप देख ही रहे हैं। फिर आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स चेक कर लेना है कि किसमें कितना कितना सीट्स है। यहाँ पे टोटल सीट्स नीचे में देख सकते हैं 1748 सीट्स है। यहाँ पे आइसर बहरमपुर में 200, आइसर भोपाल में 240, आइसर कोलकाता में 250, आइसर मोहाली में 250, आइसर पुणे में 288, आइसर तिरुपति में 200, आइसर तिरुवनंतपुरम में 320। सबसे ज्यादा आइसर तिरुवनंतपुरम में सीट्स है, यहाँ टोटल 1718 सीट। यहाँ पे आइसर भोपाल जो बीएस प्रोग्राम 5 इयर्स का करवाया जाता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंसेस और इकोनॉमिक साइंसेस। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस में 60 सीट है और इकोनॉमिक साइंस में 30 सीट है, तो 90 सीट, और इधर 748 सीट। तो इतना मतलब 1850 के आसपास यहाँ पे सीट्स है। यहाँ पे फिर एडमिशन पे आना, यहाँ पे फी चेक कर लेना है कि इसका कितना फी रहने वाला है, क्या है। यहाँ पे फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2000, और यहाँ पे एससी एसटी और कश्मीरी माइग्रेंट और जो पीडब्ल्यू कास्ट पीडब्ल्यू से है उनको 1000 रुपया यहाँ पे देना है, और ये सब नॉन रिफंडेबल है ये फी। यहाँ पे सीट एक्सेप्शन फी भी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 35,000 सीट एक्सेप्शन फी, 25,000 और आरएस 10,000 नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सीट एक्सेप्शन फी इतना लगेगा, और 17,500, 12,500 और 5,000 ये एससी एसटी कैटेगरी को लगेगा। यहाँ पे और जो भी डिटेल्स है आप चेक कर लीजिए, ज्यादा वीडियो लंबा होगा। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ से जो भी एडमिशन प्रोसेस है यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद विड्रॉलिंग प्रोसेस वो भी आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन, ये तो एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन ऑन अप्रैल 15 अप्रैल 2023। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट पे आना है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट पे क्लिक करना है। इसका देख सकते हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएटी 2023 बी हेल्ड सैटरडे 17 जून 2023 9 बजे इसका जो एप्लीकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे आईएटी विल कंसिस्ट 16 क्वेश्चन रहेगा, 4 सेक्शन, यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। टोटल टाइमिंग आंसरिंग द टेस्ट विल बी 180 मिनट, क्वेश्चन विल बी मल्टीपल च्वाइस टाइप क्वेश्चन, ओनली वन करेक्ट, मतलब मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहेगा और इसमें ओनली वन ही करेक्ट रहेगा। इसमें ईच 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 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, और अगर आप गलत करते हैं
तो 1 मार्क्स, अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद हम एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दिया है, वही है, बस सेम ही है सारा चीज। यहाँ पे आप शेड्यूल एंड फी भी देख चुके हैं। ओके, सिलेबस, हाँ सिलेबस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन पे आइए, और यहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का हिंदी इंग्लिश में, 21 का, 19 का, 18 का, 17 का, ये सब आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप जरूर इस को क्वेश्चन लगाइएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अभी मॉक टेस्ट ओपन नहीं किया गया है, अभी मॉक टेस्ट ओपन सुन लिख रहा था, इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। जब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इस पे मैं फुल वीडियो ला दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।